अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्प जे एंड के स्टूडेंट्स। गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो जॉब पोस्ट निकाले थे, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, रिपोर्टर, जूनियर लाइब्रेरियन, पॉस कम रिसेप्ट क्लर्क, डिस्पैच राइटर के लिए जो पोस्ट निकालते, आज मैं आपके लाया हूँ इसके लिए सिलेबस क्या रखा है उन्होंने। हाँ गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं अन अकेडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, आप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको प्ले स्टोर से अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद ऊपर आपको मिल जाएगा सर्च बॉक्स, वहाँ पर आपको मेरा नाम टाइप करना है, मोहम्मद इरफान हूँ। मेरा नाम टाइप करने के बाद वहाँ पर मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाने के बाद वहाँ पे आप मुझे फॉलो करोगे, इससे आपके बेनिफिट्स होंगे। मैंने वहाँ पे जो भी कोर्स और लेसन डाले हैं वो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है। मैंने वहाँ पे जेके पीएचकेएस के लिए कुछ कोर्स और लेसन डाले हैं। मैं वहाँ पे हर रोज करंट अफेयर सीरीज के क्वेश्चन डालता रहता हूँ, और मैंने वहाँ पे जो जेके बैंक के एग्जाम होने वाला है वहाँ पे मैं कुछ कोर्स और लेसन डालने वाला हूँ एज पर से। और जो जे एंड के लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो जॉब पोस्ट निकाला इसके लिए भी रिलेटेड मैं वहाँ पे कुछ कोर्स और लेसन डालने वाला। आप वहाँ पे जाए, आपको वहाँ पे बेनिफिट ही मिल जाएगा अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे। हाँ गाइस, मैंने वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सिलेबस जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने निकाला। पहले हम चलते हैं जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के लिए। यह हमने पीडीएफ खोली है, इसकी जो सिलेबस है देखते हैं इसमें सिलेबस में क्या है। ये ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं इसमें टाइम होगा 2 आवर्स का एग्जाम, और मार्क्स होंगे 100 में। पहला यूनिट जो इन्होंने रखा है वो रखा है जनरल इंग्लिश का, इसमें 17 मार्क्स है। आप देख सकते हैं टेंसेस है, रीअरेंजिंग है, नरेशन है, मॉडल्स है, आर्टिकल्स है, क्लॉजेस है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, आइटम्स एंड फ्रेसेस है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है इसमें। अब हम बात करते हैं जो सेकंड यूनिट ने रखा है, इसमें 22 मार्क्स है, जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की। आप अन अकेडमी में जा सकते हैं, वहाँ पर मैं हर रोज़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डालता रहता हूँ। जो सीरीज वहां पे मैंने स्टार्ट किया वहां पे आप जाए, वहां पे आपको बेनिफिट ये जो पोर्शन है या वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये 22 मार्क्स का आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री वे भी वहां पे मैंने डाली है, फ्रीडम स्ट्रगल भी मैंने वहां पे डाली है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड ये भी डाली है मैंने वहाँ पे कोर्स, इसके रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर्स ये भी मैं डालने वाला हूँ वहाँ पे। आप वहाँ पे जाए मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ये सारा वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये सिलेबस जो उन्होंने रखा है जनरल नॉलेज में। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 11 मार्क्स है। ये कोर्स भी मैंने वहाँ पे डाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड वहाँ पे मैंने कोर्सेज डाले हैं। ये रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये भी मैंने वहाँ डाले हैं, वेदर्स क्लाइमेट क्रॉप्स ये भी मैंने वहाँ पे डाले है, इंडस वाटर ट्रीटी वहाँ पे डालने वाला भी मैंने वहाँ पे नहीं डाले, ये मैं वहाँ पे डालने वाला जो ये सिलेबस है स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर मैंने वहाँ पे ये डाले हैं 11 मार्क्स, ये भी वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की, इसमें 16 मार्क्स है, ये आप देख सकते हैं जनरल साइंस का, ये भी इंशाल्लाह मैं वहाँ पे डालने वाला हूँ अगर आप वहाँ पे मुझे फॉलो करोगे। फिर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 17 मार्क्स है, इसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंसेस, बुलेट रिलेशन, ये सभी इसमें है, इसके लिए सिलेबस है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की, इसमें 17 मार्क्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस ये भी मैंने वहाँ पे कोर्सेज डाला है, कंप्यूटर के रिलेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये भी मैंने डाला है, वहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ये भी डाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाला है, एमएस वर्ड भी डाला है, एक्सेल, एमएस एक्सिस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सब डाले हैं, और ईमेल एंड इंटरनेट वहाँ पे डाले हैं, वहाँ पे ये सब मैंने वहाँ पे डाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिलेटेड, वहाँ पे आपको फायदा मिल जाएगा, ये पोर्शन मैंने सारा डाला है वहाँ पे। हाँ गाइस, ये था सिलेबस जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए। अब हम बात करते हैं अगले जो है ट्रांसलेटर की, इसके लिए सिलेबस रखा है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क, इसमें भी 100 मार्क्स होंगे, 2 आवर्स का टाइम होगा, रीजनिंग एबिलिटी के 20 मार्क्स है, जनरल इंग्लिश के 20 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स और कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 मार्क्स, जो कंप्यूटर अवेयरनेस सिस्टम भी मैंने वहाँ पर डाला है, जनरल अवेयरनेस भी मैंने वहाँ पर डाले है। अब रही रीजनिंग जनरल इंग्लिश की अन अकेडमी पे, वो भी वहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं अगले जो रिपोर्टर के लिए, इसके लिए सिलेबस उन्होंने रखा है, ये सेम सिलेबस है जो उन्होंने रखा है ट्रांसलेटर के लिए और रिपोर्टर के लिए, सेम सिलेबस है, इसमें 20 मार्क्स रीजनिंग के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स है, जनरल इंग्लिश के लिए 20, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मार्क्स और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी 20 मार्क्स है। अब हम बात करते हैं जूनियर लाइब्रेरियन की, इसमें उन्होंने सिलेबस क्या रखा है, यह है ये सेम उन्होंने वहाँ पे भी सिलेबस रखा, मगर उन्होंने एक्स्ट्रा वहाँ पे सब्जेक्ट टू रखा, इसमें 40 मार्क्स होंगे, ये आप देख सकते हैं ये रखा है सिलेबस लाइब्रेरियन के लिए।
अब हम बात करते हैं पॉस कम रिसेप्ट क्लर्क, इसमें उन्होंने क्या सिलेबस रखा है हम देखते हैं। इसमें भी सेम सिलेबस उन्होंने रखा है, मगर इन्होंने थोड़े मार्क्स चेंज किए हैं। आप अगर अनअकैडमी पे मेरे मुझे फॉलो करके, वहाँ पे मैंने ये सभी डाले हैं, ये कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, अब मैं वहाँ पे रीजनिंग भी डालने वाला हूँ, वहाँ पे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। जो भी उन्होंने ये जो पोस्ट निकाला है, इसके सिलेबस मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाला। हाँ गाइस, इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ की जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सिलेबस निकाला है, जो आपने फॉर्म भरे थे 1 अप 2018 एडवर्टाइजमेंट नंबर के लिए, यह सिलेबस। हाँ गाइस, अनअकैडमी पे जाइए और मुझे वहाँ पे फॉलो कर ले, मैंने वहाँ पे ये सभी जो सिलेबस है वहाँ पे डाला है, वहाँ पे आपको फायदा मिल जाएगा। हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर खराब लगा डिसलाइक का बटन दबा दीजिए। हाँ गाइस, ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल हेल्प जेएंड के स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हाँ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।